नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो कई पार्श्व गायक हैं, लेकिन उदित नारायण का नाम काफी इज्जत से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने इतने गाने गाए हैं जो लोगों को काफी पसंद आए हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 1955 को पैदा हुए उदित नारायण 64 वर्ष के हैं और उनका जन्म सुपौल बिहार में हुआ था। अब वो मुंबई में रहते हैं। आज हम आपको उनका मुंबई वाला घर दिखाएंगे। ये घर काफी स्पेशियस बताया जाता है। घर के अंदर 12 से 15 लोग आसानी से रह सकते हैं। इसके अलावा घर में आउटडोर स्विमिंग पूल है और घर के अंदर ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया गया है। आपको बता दें कि उदित नारायण को पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए घर के अंदर लाइब्रेरी भी स्थित है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उदित नारायण भारतीय और नेपाली फिल्मों में गाने गा चुके हैं। नेपाल में भारत के द्वारा वह एकमात्र ऐसे सिंगर हैं जिन्हें काफी पसंद किया जाता है। वर्ष 2009 में भारतीय सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उदित की मातृभाषा मैथिली है और वो बिहार के मिथिलांचल इलाके से आते हैं। और आपको बता दें कि उनके द्वारा गाए गए गानों में कई ऐसे गाने हैं जो बेहद ही पॉपुलर हुए, जिनमें पापा कहते हैं, मेहंदी लगा के रखना, परदेसी परदेसी, चांद छुपा बादल में और मितवा बेहद पॉपुलर हैं। आपको बता दें कि उदित नारायण को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उदित नारायण अपने द्वारा गाए गए गानों के कारण लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं और हमसे कई लोगों ने उनके घर को देखने की फरमाइश की थी, इसलिए आज हमने आपको उनका घर दिखाया। हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।